ये आकाशवाणी है, अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अंतरिक्ष, साइबर क्षेत्र और समुद्र की ओर से उभरते नए खतरों से निपटने के लिए क्षमताओं में वृद्धि की आवश्यकता है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना के शीर्ष कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा कि कमांडरों को दिमागी तौर पर नए सिरे से तैयार करना होगा और इन क्षमताओं के लिए आवश्यक एकीकृत परिदृश्य को परिभाषित करना होगा। उन्होंने कहा कि बढ़ती जटिल परिस्थितियों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं में समन्वय की आवश्यकता है। सरकार ने कहा है कि बिजली परियोजनाओं की नीलामी की प्रक्रिया को और व्यापक बनाने के लिए वो संबंधित पक्षों के और सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार है। आज नई दिल्ली में अनुसंधान और विकास सम्मेलन के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में बिजली मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि नीलामी के मानक दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उनका मंत्रालय इन सभी सुझावों और प्रतिक्रियाओं पर विचार करेगा। अस्थायी मानक दस्तावेजों के अनुसार आयातित कोयले पर आधारित बिजली परियोजनाओं की नीलामी प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। श्री मोइली ने कहा कि ईंधन आपूर्ति समझौते का काम प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशानुसार चल रहा है। ईंधन आपूर्ति समझौते से संबंधित सभी मुद्दों को कोयला मंत्रालय के साथ हल कर लिया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कानून मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद द्वारा दायर मानहानि के मामले पर टीवी टुडे को नोटिस जारी किया है। टीवी टुडे के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अरुण पुरी तथा अन्य लोगों को समन जारी किए गए हैं। लुईस खुर्शीद ने कल दायर याचिका में टीवी नेटवर्क पर उनके परिवार को बदनाम करने का आरोप लगाया और 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की थी। टीवी टुडे से प्रसारित स्टिंग ऑपरेशन में दावा किया गया था कि सलमान खुर्शीद के विकलांगों संबंधी ट्रस्ट ने केंद्रीय अनुदान प्राप्त करने के लिए जाली हस्ताक्षर का सहारा लिया था। टीवी टुडे को जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया गया है। न्यायालय ने खुर्शीद के वकीलों से भी अपने आरोप स्पष्ट करने को कहा है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अगर सहारा कंपनी उन निवेशकों का ब्यौरा नहीं देती जिससे उसने 24,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं तो सेबी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। न्यायालय ने सहारा ग्रुप की इस अपील को भी नामंजूर कर दिया कि उसे ये सारा पैसा निवेशकों को लौटाने के सेबी के आदेश पर अमल के लिए कुछ और समय दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि केंद्र निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए कोयला खंडों को रद्द करने में देरी कर रहा है। आज नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने कहा कि कम से कम ऐसे 15 कोयला खंड हैं जिन्हें आसानी से निरस्त किया जा सकता है, क्योंकि जिन कंपनियों को ये खदानें आवंटित की गई थी उन्होंने अभी तक इनमें कोयले की खुदाई शुरू नहीं की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने आज धार विधानसभा क्षेत्र की भाजपा विधायक नीना वर्मा का चुनाव अवैध घोषित कर दिया है। 2008 के विधानसभा चुनाव में वे सिर्फ 1 वोट से जीती थीं। कांग्रेस के पराजित उम्मीदवार बाल मुकुंद गौतम ने इस संबंध में न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। उनका आरोप था कि चुनाव अधिकारी का चरित्र निष्पक्ष नहीं था और सत्ताधारी भाजपा सरकार ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया था। सुश्री वर्मा ने कहा है कि वे इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देंगी। जम्मू कश्मीर के लसजान बाईपास के निकट आज तीसरे पहर श्रीनगर शहर के बाहरी क्षेत्र में एक होटल पर संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा गोलीबारी में 1 व्यक्ति मारा गया। हमारे श्रीनगर संवाददाता ने खबर दी है कि पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी कर दी है। विशिष्ट पहचान प्राधिकरण 2014 तक देश की 6 करोड़ लोगों को आधार नंबर उपलब्ध कराएगा। प्राधिकरण के अध्यक्ष नंदन नीलेकणी ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह आधार से जुड़ी सेवाओं की कल राजस्थान के दूदू में औपचारिक शुरुआत करते हुए एक स्थानीय निवासी को 21 करोड़वां आधार नंबर प्रदान करेंगे। बम्बई शेयर का सेंसेक्स आज 110 अंक गिरकर 18,682 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 34 अंक टूटकर 5,684 पर बंद हुआ। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही प्रचार अभियान तेज होने लगा है। नामांकन पत्रों की जांच के बाद विधानसभा की 68 सीटों के लिए 509 पर्चे वैध पाए गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।